बैक टू माई चैनल, आई एम गुड एंड आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए हैं चंडीगढ़ के लिए, वी वोक अप एट 5:30 एंड 6 o'clock हम लोग निकल भी गए, बिकॉज सुबह सुबह ट्रैवल करना इट्स मच मोर बेटर, बहुत कम टाइम लगता है कम्पेयर टू अगर हम लोग लेट निकले। आज अनु बीबी की गुड मॉर्निंग भी गाड़ी में हुई और अब हम लोग जस्ट पहुंच जाएंगे आई गेस 4 hours में चंडीगढ़, एंड आई विल शो कि हम लोग चंडीगढ़ जाके, आज मेरा पूरा ब्लॉग चंडीगढ़ से होगा क्योंकि हम लोग वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं। हम लोगों ने इनफैक्ट सामान सारा रख लिया था शाम को ही, क्योंकि सुबह सिर्फ उठे चाय पी और हम लोग निकल गए, घर जाके बहुत सफाई करनी है इसलिए घर जाके ही हम लोग नहाना धोना करेंगे। अनु गंदू है भी गंदू, अदरवाइज हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। सो स्टे ट्यून एंड जस्ट सी व्हाट्स देयर इन माय ब्लॉग फॉर द डे। एंड गाड़ी में ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल, क्योंकि कैमरा चिक 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 शेक होता रहता है। तो ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे आगे, सो स्टे ट्यून एंड हियर वी गो। हमारी आनू बेबी सो गई है, कितनी क्यूटली मेरी उंगली पकड़ के सो रही है छोटू, एंड बाहर बहुत फॉग है गाइस, बहुत ठंड भी है। सुबह सुबह तो मैं सोचा इसको कोजी करके सुला देती हूँ, एंड कार में तो वैसे भी बहुत इजीली सोती है। एंड हम लोग जस्ट निकले हैं, आधी जगह कहीं फॉग है कहीं फॉग नहीं है, आपको दिखाती हूँ, कहीं जगह तो बहुत ज़्यादा फॉग है गाइस, जस्ट सी। आज 3 घंटे लग गए करनाल तक पहुंचने में, सो वी आर रनिंग लेट बाय टाइम, बट कोई नहीं, आज संडे है सो हम किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं। आनू बीबी अब यार अंकित कहीं चाय के लिए रुकते हैं यार किसी ढाबे पे और चाय पियेंगे, बिकॉज वी आर रनिंग रियली लेट, बट कोई बात नहीं, अब करनाल आ गया है, फटाफट चंडीगढ़ आ जाएगा बिकॉज अब हाईवे अच्छा है एंड मौसम भी खुल चुका है। सुबह निकले और फॉग मिल गया, बहुत ज्यादा फॉग मिल गया है ना बाबू, क्या हो गया? हाय हाय आनू की मॉर्निंग स्माइल, गुड जू बीबी, क्या हो गया? कहोगे चाय पियोगे? चलो चाय पियोगे। मेरा ऑर्डर आ चुका है गोभी पराठा और अंकित का आलू पराठा, हमारा मेन्यू फिक्स रहता है गाइस, चाहे हम हापुड़ से चंडीगढ़ जाएं चंडीगढ़ से हापुड़ जाएं, मेन्यू इज फिक्स। आनु बाबू इज एंजॉय। दे दो आंटी को दिवाली गिफ्ट कुकर, आपका आंटी कुकर दिवाली गिफ्ट, ठीक है हैं? इसको कसने या कस लोगे आप? हैंडल मतलब अलग अलग आता है ना ऑनलाइन, कस लोगे ना? कस लोगे? प्लास प्लास है माय स्क्रू ड्राइवर वगैरह? अच्छा आए हुए हैं लड़का? अच्छा वहीं रहता है, मुझे लगा अलग रहता है, ठीक है। अच्छा अच्छा सही है, 5 लीटर ही मंगाया इसलिए आपने कहा था ना, बहुत दिक्कत हो रहा था। अच्छा इतना दिन से काम करता है, साल भर का गिफ्ट किया था, पैसा उठा देता है तो चलो खा। अब खीर खिलाओगे? खीर इसमें बना के बनानी? मुझे नहीं आती खीर बनानी, मुझे नहीं आती खीर बनानी। चलो अरे नहीं एंजॉय करो, हैप्पी दिवाली, हमने उसी टाइम ऑनलाइन कर दिया था और वहाँ आ गया था,
यस ले जाना आप जाते हुए। मेरा कमल दिया था ना। हम लोग पहुंच गए हैं वापस घर चंडीगढ़ एंड वो ही आज फॉग की वजह से अपन लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए, बट ठीक है क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम जितना था उससे हमें ज्यादा टाइम लग गया था, बट फिर हम लोगों ने चाय भी थोड़े पराठे खाए तो वी फेल्ट गुड। एंड एक्चुअली हम लोग ने बहुत अच्छा किया जल्दी निकल के, बिकॉज ऑलमोस्ट हमें 6 hours लग गए थे, सो इट्स ओके। और फिर आते ही हमने अपनी आंटी को बुलाया और उनको हमने दिवाली गिफ्ट दे दिया। तो अभी जस्ट हम लोग फिर पूरे दिन आज रेस्ट किया, मैं अनु और अंकित हम तीनों ऐसे घोड़े बेच के सोए हैं ना, है ना, हम लोग फुल मस्ती करते हुए सोए हैं। मेरे बाल बाल भी आप देखो कैसे हो रखे हैं, मैं पूरी नींद में हूँ। जस्ट उठते फिर मैंने मस्त दाल तड़का और चावल बनाए और अब हम लोग दाल चावल खा के देसी खाना खा के हम लोग सोएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा थके थके सो रहे हैं। कल रात को नींद पूरी नहीं हो पाई थी और फिर आज सुबह जल्दी उठ के देन पूरा ट्रैवलिंग, अंकित ने पूरा ड्राइव किया, सो अब हम लोगों ने सोचा है कि ही वी विल स्लीप अर्ली, बिकॉज अर्ली क्या 9:30 तो बज चुके हैं तो इसलिए अब हम लोग जस्ट सोएंगे एंड अनु बेबी विल ऑल्सो स्लीप। हाँ शी सिंग ये मजा आ रहा है चंडीगढ़ आके। फैमिली तो मिस करते ही है, बिकॉज आई लव फैमिली के साथ रहने में मुझे बहुत मजा आता है। अनु के दादा दादी भी अनु को बहुत मिस कर रहे होंगे, बट ठीक है फिर 1 महीने में हम लोग जाएंगे और शादी एंजॉय करेंगे, क्या मस्ती करेगी। सो गाइस इट वाज इट फॉर द डे एंड गुड नाइट फ्रॉम माय साइड एंड अनु साइड। अनु गुड नाइट गाइस, बाय बाय। Good night, guys. Bye.